Hi friends, welcome to free tips and tricks for mobile, PC, laptop, technology and jobs. First of all, thanks to all my viewers and subscribers because you always comment, you always share videos, you always subscribe channel. That's why channel increasing day by days. So today is my subject about Canada Open Work Permit. आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो कनाडा के जो है ओपन वर्क परमिट से रिलेटेड है कि अगर आप जो है कैसे उसे ले सकते हैं और क्या क्या जो है उसके बेनिफिट होते हैं और क्या क्या जो है उसको जो है आप जो है उसके लिए रिक्वायरमेंट जो है आपकी होती है, यानी उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास जो है होनी चाहिए जिससे कि आप जो है वो ले सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करूंगा दोस्तों, जो कनाडा का जो ओपन वर्क परमिट है वो जो है उन लोगों के लिए होता है जिनके पास ऑलरेडी वहाँ का जो है वर्क परमिट है, यानी उनके पास अवेलेबल है वहाँ पर, वो भी काम कर रहे हैं वहाँ पर. तो उनके लिए क्या है कि वहाँ जो कनाडा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो एक जो है ऑप्शन निकाला है, उसमें यह है कि वो जो है अपने स्पाउस को जो है वहाँ पर जो है वर्क के जो है पर्पज़ से बुला सकते हैं. और जैसे कि आप वहाँ पर जैसे कि स्पाउस जो भी हैं आपके, आप जैसे कि अपने हस्बैंड को उधर बुला सकती हैं, या जो है जैसे कि आप अपनी वाइफ को उधर बुला सकते हैं, या जो भी आपके रिलेशनशिप में हैं आपके, उनको जो है वहाँ पर जो है बुला सकते हैं अपने स्पाउस को. तो उसमें यह है कि देखिएगा, उसमें आपको जो है वहाँ का जो है वर्क परमिट होना चाहिए तभी आपके लिए जो है ओपन वर्क परमिट जो है इशू होता है. ओपन वर्क परमिट का मीन्स ये है कि वहाँ जो है जैसे कि भी आप जिस स्पाउस को भी वहाँ पर बुलाएंगे वो जो है किसी भी जगह वहाँ पर जो है वर्क कर सकता है. ये नहीं है कि वो किसी कंपनी पे जो है निर्भर है या मतलब किसी उसी कंपनी में करेगा. वो जो है जितने दिन भी आप वहाँ पर रहें, जितने दिन भी आपका जो है वहाँ पर वर्क परमिट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या है कि वहाँ पर जो है वो आपके अकॉर्डिंग जो है उतने दिन ही जो है वहाँ पर जो है वो रह सकता है और वहाँ पर जो है किसी भी जगह जो है वहाँ पर वो जो है वर्क कर सकता है लीगली. तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले जो है कंडीशन होती है, इसमें कंडीशन ये है कि आपके पास ऑलरेडी उधर का वर्क परमिट होना चाहिए. और दूसरी चीज़ उसमें यह है कि जैसे कि एक साल आपका उसमें होना चाहिए कि एक साल आपको जैसे आपने मैंने बताया था कि आप वहाँ जाकर जो है वर्क परमिट ले सकते हैं, तो एक साल आपको वर्क परमिट लिया हुआ हो वहाँ पर. दूसरा जो है डॉक्यूमेंट लगता है उसमें यह है कि आपकी जो है जो भी आपका रिलेशन सर्टिफिकेट है वो उसमें लगता है, जैसे कि आप मेरी सर्टिफिकेट है आपका, यानी उनसे क्या जो है आपका रिलेशन है वो उसमें वो सर्टिफिकेट लगता है. और तीसरी चीज़ जो है, तीसरी चीज़ यह है कि आप उस जो है ऑक्यूपेशन में आने चाहिए जो कि कनाडा AOB में जो भी है वो उसमें जो है होना चाहिए आप. ठीक है, तो इसमें उस लिस्ट में यानी आप आने चाहिए उस लिस्ट में, जो भी वो लिस्ट वहाँ की होती है उसमें जो है आप जो है आने चाहिए. जैसे मैंने बताया था, मैं आप वीडियो नहीं देखी होगी तो देख लीजिएगा, OABC कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो यू कैन आप जो है उसमें जो है वो बुला सकते हैं अपने जो है जो भी आपके स्पाउस हो. और स्पाउस क्या है कि वो उतने दिन ही जो है वहाँ पर वर्क कर सकते हैं और वर्क करके वहाँ पर जो है अच्छी खासी अर्निंग जो है कर सकते हैं. और वर्क परमिट के लिए जैसे कि मैंने बताया था आपको कि पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ के लगते हैं, और आप जैसे कि कनाडा में सेटल होना चाहते हैं तो विजिटिंग वीज़ा का वहाँ बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वहाँ जा करके अगर आप कोई डेलीगेट्स हैं या कोई आपके वहाँ पर कोई स्पॉन्सर आपको कर रहे हैं तो दे विल प्रोवाइड यू वर्क परमिट. सो उसमें देखिएगा, अगर आपको उसमें ये सब मैंने डॉक्यूमेंट बता दिए ये सब आपके पास हैं तो आप जो है ईजिली जो है वहाँ पर ये जो है इनके साथ जो अपने स्पाउस के साथ रह सकते हैं और रह करके वहाँ पर जो है आसानी से जो है वर्क जो है कर सकते हैं ओपन वर्क परमिट के द्वारा. तो ये ओपन वर्क परमिट सिंपली लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ तो ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी वहाँ पर वर्क कर रहे हैं और जो अपने स्पाउस को वहाँ पर बुलाना चाहते हैं, तो स्पाउस को वहाँ पर जो है ओपन वर्क परमिट जो है मिल जाता है, वो कहीं भी जो है वर्क जो है कर सकते हैं. तो ये बहुत अच्छा आपके लोगों के लिए बेनिफिशियल है. तो आपको अगर वर्क परमिट के लिए जैसे कि मैंने बताया था कि आप जो है अप्लाई कर सकते हैं आज ही, अगर इंटरेस्टेड हो तो यू कैन सेंड योर डॉक्यूमेंट ऑन माई ईमेल आईडी, आई विल चेक कि यू आर एलिजिबल और नॉट. सो अपने जो है डॉक्यूमेंट जो है ईमेल आईडी पर सेंड कर दीजिएगा, आई विल चेक एंड आई विल रिप्लाई यू कि यू आर एलिजिबल और नॉट. सो प्लीज़ आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि दूसरे लोगों को पता चल जाए. और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, कनाडा गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए इतना अच्छा ऑप्शन निकाला हुआ है कि आप और कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है कि जो है अपने स्वास्थ्य को बुला लेते हैं और वो जो है कवर कर सकते हैं, लेकिन कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से ये जो है बहुत अच्छा जो है ऑप्शन है कि ये जो है बहुत अच्छे वहाँ के रूल हैं कि वहाँ पर जा करके जो है यू कैन योर स्पाउस आल्सो कैन वर्क देयर. So I hope you understood now. If you didn't subscribe channel, please subscribe. The benefit of the subscribe the channel, I told you before also that when I upload daily new videos, that video will reach you automatically and you will get all my informative videos which I upload daily.
के चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिएगा, करने का फ़ायदा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो जो है डेली अपलोड करता हूँ वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपके मोबाइल में, पीसी में, लैपटॉप में जो है आपके यूट्यूब के होम पेज पर आपको जो है नज़र आ जाएगी, और आप उसको जो है देख करके जो है आगे जो है दूसरों को भी फॉरवर्ड कर देंगे, जो कि बाय इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं जो दूसरों को भी इसका जो है काफ़ी फ़ायदा होएगा। सो आई होप यू विल डू लाइक दिस। अगर जितने ही मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर हैं सबको मैं यही बोलता हूँ कि अगर डिले रिप्लाई के लिए देखेंगे, मैंने सॉरी भी बोला था, अगर आपको जो है जैसे डिले रिप्लाई हो रहा है तो उसमें मैंने रीज़न उसके बिहाइंड रीज़न मैंने आपको बता दिया था कि जो है कभी एक्चुअली ऑन जॉब एंड आल्सो सो मच मैसेजेस कैम डेली सो टू मी, सो डेट्स वाई आई कैन नॉट रिप्लाई ऑन एवरी मैसेजेस, बट आई रिप्लाई इवन योर ऑल मैसेजेस, बट आई रिप्लाई डिले। सो उसके लिए देखिएगा मैंने बताया था आपको, अगर आपके मैसेजेस का जैसे रिप्लाई अगर डिले हो रहा है तो उसके लिए देखिएगा माइंड ना करें, उसमें ही ना समझा करें कि जो है मैं आपको रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ। उसका जो है मैंने उसके पीछे का रीज़न आपको बता चुका हूँ पहले भी कि जो भी मेरे क्वेश्चन आते हैं, इतने हज़ारों मैसेजेस जो हैं दिन भर में आते हैं, उसके अलावा जो है आई ऑन जॉब आल्सो, मैं जॉब पर भी जो है रहता हूँ, जिसकी वजह से जो है मैसेजेस देने में जो है काफ़ी जो है डिले हो जाता है, तो इसलिए करके आप जो है उसको माइंड ना किया करें। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देखिएगा मैंने दो चीज़ें तो आपको बता दी थी कि जो है आप जो है अपने डॉक्यूमेंट डायरेक्टली मेरे ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं जो कि मेंशन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और दूसरी चीज़ जो है वो मैंने बताया था कि कमेंट बॉक्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्या करें उसके कमेंट के तो जो है मैसेजेस के जो रिप्लाई तो आपको क्विकली मिल जाते हैं, लेकिन जो व्हाट्सएप पर ईमो पर जो मैसेजेस होते हैं उस पर, क्योंकि एक्चुअली उस पर बहुत ज़्यादा हज़ारों मैसेजेस रहते हैं, इसलिए आई कैन नॉट रिप्लाई ऑफ एवरी मैसेजेस, सो डेट्स वाई यू हैव टू वेट फॉर गेट रिप्लाई। तो प्लीज़ आप जो है इसको माइंड ना करें, और दूसरों को भी इस चीज़ को बताएं, अगर वो ओपन वर्क परमिट के बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत अच्छा जो है आपके लिए ऑप्शन है, ये कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये निकला हुआ है। इसमें यह है कि आप जो है जा सकते हैं और 1 ईयर वहाँ पर जो है रह सकते हैं, और रह करके जो है आप वहाँ पर जो है यू कैन ब्रिंग योर स्पाउस आल्सो देयर, और ये देखिएगा स्टूडेंट्स के लिए भी है, अगर आप जो है वहाँ स्टडी वीज़ा पर जाते हैं तो यू कैन गेट वर्क परमिट देयर एंड देन यू कैन ब्रिंग योर स्पाउस। अगर आप जो है वहाँ पर स्पाउस को बुला लेते हैं तो उसके लिए देखिएगा आपको कोई चार्जेस नहीं है कि आपको जो है ओपन वर्क परमिट के लिए जो है कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, उसमें जो है लिमिटेड जो है चार्जेस होते हैं, और इसके जैसे का मैंने बताया था कि धोखाधड़ी से आप बचें, ज़रा सा भी जो है किसी को जो है आपने जैसे कि मैं नॉलेज की सारी वीडियो जो है अपलोड की हुई है उनको देखिएगा, सारा मैंने बताया हुआ है, एवरी कंट्रीज़ अकॉर्डिंग एवरी कंट्रीज़ वीज़ा प्रोसेस एंड आल्सो व्हाट द वीज़ा प्रोसेस ऑफ एवरी कंट्री आई ऑलरेडी अपलोडेड ऑन ऑन माई चैनल। सो प्लीज़ वॉच दिस डेट वीडियो एंड यू कैन आस्क मी इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी और जॉब्स, यू कैन आस्क मी, आई विल गाइड यू फुल जेन्युइन एंड लीगल वे। सो प्लीज़ आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके क्वेश्चन हुआ करें वो किया करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं मुझे भी नहीं पता होती हैं, आप लोगों की वजह से जो है बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मुझे भी नहीं पता होते हैं, तो मैं उन चीज़ों को देखता हूँ, फिर अगर वो लीगल और जेन्युइन होता है तभी जो है आपको जो है उसका जो है मैं बताता हूँ, नहीं तो आपको जो है उसके लिए मना कर देता हूँ। तो प्लीज़ आपके जो भी क्वेश्चन हुआ करें मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी या जॉब्स रिलेटेड, यू कैन आस्क मी और यू कैन गेट योर रिप्लाई क्विकली। सो प्लीज़ आप जो है अगर कोई भी आपकी क्वेरी है प्लीज़ मुझसे पूछें और मुझसे जो है बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसके बारे में पता चले, और दूसरे लोग भी इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको जो है आपस में जो है दूसरे लोगों को जो है शेयर कर सकें, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसके बारे में जो है पता चल सके और वो जो है इस चीज़ को जान सकें। और देखिएगा अगर आपको मैंने बताया था अगर विजिटिंग वीज़ा के लिए अगर वहाँ जाना है आपको, तो आपके लिए देखिएगा दो चीज़ें मैंने मेन आपकी बताई थी कि या तो आपकी जो है ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए या जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट में जो है आपकी मैंने बताया था कि 10,000 कैनेडियन डॉलर जो है यू आपके अकाउंट में होने चाहिए 3 मंथ ओल्ड, यानी उसमें बहुत से मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हम जो है एक दिन में डाल देते हैं 10,000 कैनेडियन डॉलर तो क्या चल जाएंगे, नहीं, उसका आंसर है नहीं। उसके लिए देखिएगा आपको 3 मंथ ओल्ड उनको जो है करना पड़ेगा, अपने जो भी आपके बैंक में अकाउंट में पैसे डालेंगे आप तो उनको 3 मंथ ओल्ड होने दें आप, तब जो है आप अप्लाई करें, क्योंकि दोस्तों ये होता है कि बहुत सी बार रिजेक्शन जो है इन्हीं की वजह से जो आ जाता है कि जो है अकाउंट में वो जो है देखते हैं, सिर्फ जस्ट फॉर फॉर्मेलिटीज़ हैं ये, वो लोग आपके देखते हैं कि यू आर ऑलरेडी सेटल इन योर कंट्री और नॉट।
सो प्लीज़ आप इससे जो है सावधान रहें और इन चीज़ों को फॉलो करें, और फॉलो करके ही जो है अप्लाई करें। तो आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी। इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू अनदर ऑल्सो दिस वीडियो, बिकॉज इफ एनी वन वॉन्ट टू नो अबाउट ओपन कनाडा ओपन वर्क परमिट दे विल नो एंड दे कैन अप्लाई बाई देम सेल्फ। सो इंशाल्लाह आई विल मेक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑल्सो। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।